हम फल खा रहे हैं पके पकाए हुए। आज जो हम फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ है मेरे पुरखे के लगाए हुए। आज जो फल खा रहे हैं हम पके पकाए हुए, ये पेड़ है मेरे पुरखे के लगाए हुए। अगर आज नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे फल कहां से खाएंगे। साथियों, मैं भारतीय संविधान को सारी धार्मिक किताबों से महान मानता हूं। मैं इसकी पूजा नहीं करता, मैं जहां भी मुझे समय मिलता है, देश में भी विदेश में भी, मैं इसका प्रचार करता हूं। अगर आज मैं विदेश में हूं और पढ़ लिख सका हूं और बिजनेस में जा सका हूं, तो केवल एंड केवल एंड केवल इसी संविधान की वजह से जा सका हूं। मुझे याद है, मैं जब अपने माँ बाप की हालात देखता था बचपन में, और जब मैं आज अपनी हालात देखता हूं, तो कई बार इस पे मैं विचार करता हूं कि ये इतना बड़ा परिवर्तन जो 2-3 पीढ़ियों में आ गया, ये किसकी वजह से आया। हमारे पास लाखों करोड़ों देवी देवता, संत महंत, ना जाने क्या कुछ था हमारे पास, लेकिन हमारे पास बाबा साहब अंबेडकर नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर आए और बाबा साहब अंबेडकर ने यह ऐलान किया। बाबा साहब अंबेडकर ने यह ऐलान किया, मैं सफाई कर्मचारी का बेटा जिसके हाथ में झाड़ू था कभी, के हे सफाई कर्मचारी के बेटे, तू दुनिया की सफाई कर्मचारी रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैंने भारतीय संविधान लिख दिया और संविधान में हर एक आपको अधिकार दे दिया, तू जो भी चलना बनना चाहे आज बन सकता है। यही भारतीय संविधान की करामात है। तो मुझे लगा कि मुझे बाबा साहब ने जब ये कहा कि जय मैंने तेरे हाथ से झाड़ू छीन लिया और कलम पकड़ा दी, अब इस कलम से जितनी भी बढ़िया से बढ़िया अपनी तकदीर लिख सकता है लिख ले, और जिस दिन तू अपनी तकदीर लिखेगा, जे लक्ष्मी, जे सरस्वती, जे सब तेरे कदमों में पड़ी होंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। कदमों में पड़ी होगी, क्योंकि हमें सदियों तक यही बताया गया कि हमने कोई पाप किए हैं, हमारे पुरखों ने कोई पाप किए हैं, इसीलिए हम गरीब, लाचार, पछड़े, अनपढ़ रह गए। मैं समझता हूं कि अगर 2 पीढ़ियों में ये संविधान इतना अंतर ला सकता है, मान लो अगर 600 साल तक, 800 साल, 2000 साल पहले से ही हम आजाद होते, तो आज दुनिया पे राज करते होते। और आज उन लोगों की पूरी कोशिश है कि इस संविधान के साथ धोखाधड़ी करी जाए, क्यों कि इसी संविधान की वजह से मेरे जैसे सफाई कर्मचारी बेटे के बेटे को दुनिया में एक अपना व्यापार करने का मौका मिला, एक मौका मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे कोई मंत्र नहीं दिया कि खुल जा सिम सिम, तू खोलेगा तो तू पढ़ जाएगा, तू लिख जाएगा, तू व्यापारी बन जाएगा, देश विदेश में घूमेगा, ऐसा कुछ नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि तेरे लिए स्कूल का रास्ता खुला है, स्कूल जाएगा यूनिवर्सिटी का रास्ता खुला है, यूनिवर्सिटी जाएगा जो भी प्रोफेशन अपना तय करेगा, उस प्रोफेशन के बाद जिस भी रास्ते पे चलेगा, व्यापार के रास्ते पे चलेगा, अच्छी जॉब पे रास्ते पे चलेगा, सारे के सारे खुले हैं, एक मौका। और साथियों, जिस दिन बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, एक हाथ में कलम और एक हाथ से थमाया हुआ संविधान,
लिख रहे थे और इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा संविधान लिख दिया। आज करोड़ों लोग, हम तो जहां थोड़े ही हैं, आज करोड़ों लोग पढ़े लिखे उस संविधान को बचाने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे। मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि इसी दिल्ली की संसद के सामने 8 नवंबर 2018 को संविधान को जलाया गया। मुझे दुख इस बात का नहीं कि संविधान को क्यों जलाया गया, उस संविधान में मेरे आने वाले बच्चों की, उस संविधान में मेरे आने वाले बच्चों की आशाओं की, सपनों की, सभी को आग लगा दी गई और हम देखते रह गए। आज हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस नहीं, करोड़ों में हैं, करोड़ों हाथ हैं हमारे पास, करोड़ों टांगे हैं चलने के लिए, फिर भी हम उस संविधान को बचाने के लिए सक्षम नहीं हुए। ये इस पे हमें विचार करना चाहिए। मेरे साथी ने कहा ना कि संविधान और सावधान, इस पे हमें सावधानी लेनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और जब तक दुनिया में कहीं भी आप देखेंगे, जिन लोगों को भी आजादी मिली है उन्होंने बहुत बहुत अत्याचार सहे हैं और बहुत बहुत दुख के साथ गुजर के उनको आजादी मिली है। हम खुशकिस्मत हैं, मैं खुशकिस्मत हूं पंजाब का वो बेटा जिसका नाम बाबा साहब के साथ कोई रिश्ता था, जिसका नाम बाबा साहब के साथ कोई खान पान, जाति धर्म कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे सारे अधिकार दे दिए। इसलिए शायद मैं उन अधिकारों की इज्जत नहीं करता। अगर मेरी माँ बाप ने मुझे किसी प्रोटेस्ट में भेजा होता, मेरे ऊपर लाठी चार्ज होती, मेरी बाजू कट गई हो गई, टांगे टूट गई होती और मेरे घर में तस्वीर लगी होती कि जे माँ बाप तेरे माँ बाप हैं जो तेरी आजादी के लिए प्रोटेस्ट में गए और इनकी इनकी टांगे कट गई, इनके बाजू कट गए, तो मैं शायद उसकी कदर करता। हमारे घर में कोई ऐसी तस्वीर नहीं है, इसलिए हम उसकी कदर नहीं करते। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि बहुत से जो मान्यताएं हमने पाल रखी हैं, बहुत से देवी देवताओं को पीछे जो भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है जे सारे, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, ये सभी जहां थे, जब मेरी छाती के ऊपर पांव रख के एक और आदमी चल रहा था तब भी ये जहां ही थे, लेकिन किसी ने मेरा पतन नहीं रोका। अगर मेरा पतन रोका और मुझे गिरे हुए को खड़ा किया और खड़ा करके चलने की और आगे बढ़ने की परमिशन दी, तो वो बाबा साहब अंबेडकर ने दी।